हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में शिबा इनू कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की। वेल्स को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रही है, साथ ही सितोशी कुसामा का क्या कुछ स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर हम शिबा इनू कॉइन के प्राइस की बात करें, क्या यहां पर ये 10 को किल कर सकता है, जिस प्रकार की मूवमेंट लास्ट 7 डेज में देखने को मिल रही है। अभी भी अगर हम देखें लास्ट 7 डेज में जो प्राइस है लगभग यहां पर 10% तक बढ़ा हुआ है, और शिबा अभी ट्रेड कर रहा है 0.000088। हम यहां पर डॉलर की बात कर रहे हैं, INR में अगर हम देखें तो ये 75 के लेवल पर ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर हम डॉलर में देखें ऑलमोस्ट ये 10 को किल कर ही चुका था, 95 के लेवल तक चले गया था, लेकिन फिर से यहां पर रिजेक्शन देखने को मिला हुआ है। और अभी अगर हम देखें लास्ट 7 डेज में फिर से इसका जो प्राइस है वो 0.000088 सीरीज में आ चुका है। लास्ट 1 डे में लगभग 1% का डाउनफॉल फिर से कोशिश करी यहां पर ब्रेक करने की इस लेवल को, लेकिन अगर हम देखें यहां पर अभी भी इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया हुआ है, फिर से डाउन में आया हुआ है। साथ ही अगर हम यहां पर लास्ट 7 डेज की बात करें तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो इसका 0.000080 का लेवल है। अगर इसके ऊपर बना हुआ रहता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर 10 को किल करेगा, और अगर इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है जहां से इसने बाउंस बैक किया हुआ है तो फिर से हमें वो लेवल देखने को मिल सकता है जो इसका काफी टाइम से देखने को मिल रहा था, जो आपको लास्ट 1 मंथ में देखने को मिलेगा। वो है यहां पर 70 का लेवल, जो आप देख सकते हैं यहां से बाउंस बैक करके लगभग 30% तक का पंप लास्ट 1 मंथ में इसने दिया हुआ है। एक अच्छा प्रॉफिट उन यूजर्स को दिया हुआ है जिन्होंने यहाँ पर इसे बाय किया था। अगर हम INR में बात करें 0.0060 के लेवल तक ये पहुंच सकता है अगर यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया को ये ब्रेक करता है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम यहाँ पर 60% डाउन में चल रहा है अगर हम लास्ट 24 आवर्स में देखें। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर अपडेट्स की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं शिब मैगजीन की, जिसका 2nd एडिशन भी यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। जो शिबा की टीम है ऑफिशियली, उन्होंने यहाँ पर ये जानकारी दे दी है। जहाँ पर वीकली मैगजीन है उसे लॉन्च कर दिया गया, जिस प्रकार से उसका 1st एडिशन लास्ट वीक में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और साथ ही सितोशी कुसामा यहाँ पर क्या सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं, जो इन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है वो है बुल मार्केट के लिए, और शिबा यहाँ पर बुल मार्केट के लिए रेडी है, ऐसा यहाँ पर एक स्टेटमेंट इनका देखने को मिल रहा है। और कॉन्फिडेंटली इन्होंने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरे तरीके से तैयार है, जो भी अपकमिंग बुल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आएगी उसको यहाँ पर सीज करने के लिए इनका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है और पूरी तैयारी है यहाँ पर। इसके साथ ही अगर हम बात करें, कम्युनिटी को लगातार ये सिग्नल देते हुए नजर आ रहे हैं, आई डोंट थिंक वी विल मिस इट, इनका यही कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि हम यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे। कुसामा के यहाँ पर काफी सारे विजन है जिसको ये क्लियर करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, साथ ही कम्युनिटी से ये लगातार इंगेज्ड भी है, जो एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि शिबा के इकोसिस्टम में वर्क काफी चल रहा है। और अभी के समय में जिस प्रकार से मीम कॉइन्स में वॉल्यूम क्रिएट होना था, उनके प्राइजेस में पंप देखने को मिलना था, वो अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो जिस प्रकार से मार्केट मूव कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है, BTC 37-38 के क्रॉस होता हुआ नजर आएगा, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो मीम कॉइन्स में भी देखने को मिल सकता है है। साथ ही वीकली बर्निंग की अगर हम बात करें तो बर्न रेट यहां पर अच्छा खासा ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही अगर हम लास्ट 24 आवर्स में देखें यहां पर कितना अमाउंट बर्न हुआ है, तो लगभग 30 मिलियन टोकन। अगर हम लास्ट 7 डेज की बात करें तो लगभग 382 मिलियन टोकन है जिन्हें यहां पर बर्न किया गया है, जिस वजह से बर्न रेट लगभग यहां पर 49% तक इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर वेल्स की, एक्सचेंजेस की, तो बड़ा अमाउंट है जिसे यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफर्ड बाय बाइनेंस। बाइनेंस के द्वारा एक बड़ा अमाउंट है 536 बिलियन शिबा इनू ट्रांसफर्ड बाय बाइनेंस, एक बड़ा अमाउंट 536 बिलियन टोकन से जिन्हें यहाँ पर बाइनेंस के द्वारा ट्रांसफर किया गया। रिसेंटली जो ब्लॉकचेन एक्टिविटी है जिसके थ्रू ये रिवील किया गया है कि जो ट्रांजेक्शन देखने को मिला हुआ है वो बाइनेंस के द्वारा देखने को मिला हुआ है, और बाइनेंस ने यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट है जिसे ट्रांसफर किया हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो फंड ट्रांसफर यहाँ पर देखने को मिलता है वो वेल्स की कहीं ना कहीं मूवमेंट भी देखने को मिलती है, जहाँ पर वेल्स भी इसे बाय करके अननोन वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंजेस भी यहाँ पर अननोन वॉलेट में से ट्रांसफर करते हुए नजर आते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर वेल्स की, तो बड़ा इनफ्लो यहाँ पर वेल्स का देखने को मिल रहा है। इनटू द ब्लॉक के द्वारा जो डेटा यहाँ पर शेयर किया गया है उसके मुताबिक अगर आप देखें इस वीक में यहाँ पर शिबा का इनफ्लो जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 627% का जो सर्ज है वो यहाँ पर लार्ज होल्डर इनफ्लोज में देखने को मिला हुआ है, मतलब जो लार्ज होल्डर है वो यहाँ पर इसे बाय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम अच्छा खासा गया था, उसके कारण ही यहाँ पर फिर से इसने 0.000009 का लेवल है उसको क्रॉस करने की कोशिश की, 95 तक गया, लेकिन वहां से डाउन में आया, थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, और फिर से बाउंस बैक करके उस लेवल तक जाने का ये ट्राई करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, और कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, तो चैनल से जुड़ जाएं, साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।